भारत में G20 के शिखर बैठक की तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। 8-9-10 सितंबर को दिल्ली में G20 की शिखर बैठक होनी है, जिसमें दुनिया के ताकतवर मुल्कों के मुखिया शामिल होंगे। इस बैठक को लेकर दिल्ली वालों के बीच भारी कंफ्यूजन भी है। लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही है, क्या 3 दिन के लिए दिल्ली बंद रहेगी? इस खबर में हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे। चलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। G20 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिल्ली दुनिया के दिग्गजों का स्वागत करने के लिए तैयार है। विदेशी मेहमानों के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एक ओर दिल्ली सज संवर रही है, दूसरी ओर लोगों के मन में सवाल और कंफ्यूजन बना हुआ है कि 8-9-10 सितंबर को पूरी दिल्ली बंद रहेगी, क्या दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा, 72 घंटे दिल्ली में क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। ये कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि दिल्ली में दुनिया के ताकतवर मेहमान आ रहे हैं और उनके स्वागत सुरक्षा के लिए कई इलाकों में बंदिशें रहेंगी। 8-9-10 सितंबर को लॉकडाउन नहीं है, राजकीय अवकाश 8 से 10 सितंबर तक रहेगा। वहीं NDMC के बाहर मॉल और बाजार खुले रहेंगे, सरकारी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे, जरूरी दुकानें खुली रहेंगी, दवा दूध जैसी दुकानें खुली रहेंगी, सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, बैंक वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का अभी तक कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट छोड़कर सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। NDMC क्षेत्र के बाजार बंद रहेंगे। NDMC के बाहर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। नई दिल्ली जिले में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं कॉमर्शियल व्हीकल की एंट्री बंद रहेगी। मेडिकल सेवाओं में जो गाड़ियां यूज होती हैं, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। दिल्ली के कुछ इलाकों में आने जाने में परेशानी हो सकती है, खासतौर पर सेंट्रल इलाके में। इस इलाके में G20 से जुड़ी बैठकें होंगी, इसी इलाके के होटल में VVIP मेहमान रहेंगे, इसलिए यहाँ सुरक्षा का घेरा ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ आने जाने वाले लोगों को परेशानियाँ हो सकती है। लुटियंस दिल्ली पूरी तरह से मेहमानों के लिए सज गई है। बता दें G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। G20 में कुल 19 देश शामिल हैं। भारत, अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया गणराज्य, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK और यूरोपीय संघ शामिल हैं। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।